हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है वो एनडीए NA-1 अप्रैल 2019 के लिए है। आप लोगों को प्रायर इन्फॉर्मेशन दिया था कि मैं सेशन लूँगा आज, तो आप लोगों ने जो क्वेश्चंस भेजे हैं मेरे पास उन क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट 30 डेज हैं हमारे 12th के एग्जाम्स, अभी फिनिश हुए हैं आपके। अब नेक्स्ट 30 डेज हम ऐसा क्या करें जिससे हम एनडीए में प्रिपरेशन कर सकें। तो इसमें कुछ बच्चों ने क्वेश्चन और भी भेजे थे जो किस क्लास 11th में, जो क्लास 12th अपेयरिंग है, उन्होंने बोला था कि सर अभी हम 12th में हमें 1 ईयर कैसे पढ़ना है या 11th में हमें 2 ईयर कैसे पढ़ना है। तो मैं आप सबको पहले एक बात बहुत क्लियर बोलूं कि मैं हर एक का आप बिल्कुल डिफरेंट सेशन लूंगा। तो 12th अपेयरिंग के लिए, 11th अपेयरिंग और 10th के लिए बिल्कुल सेपरेट सेशन होगा। अभी ये सेशन है जिन्होंने 12th के एग्जाम दिए हुए हैं या जो 12th एग्जाम दे चुके हैं और एनडीए देने वाले हैं, क्योंकि ऐसे आप में से कई लोग हैं जिनके मेरे पास मैसेज है कि सर एनडीए लास्ट अटेम्प्ट है, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। और इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने एनडीए और आईआईटी दोनों एग्जाम देने वाले हैं। पहले मैं बता दूं कि एनडीए और आईआईटी में बहुत डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। और लास्ट 30 डेज जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरी बात मान के पढ़ाई करेंगे तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप एक बहुत अच्छे स्कोर की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि करना क्या है वो समझ लें। दूसरा, आपने जीएस को लेके लिखा, हिस्ट्री को लेके लिखा हुआ है, मैथ्स में किस ढंग से हम अप्रोच डेवलप करें, जो जो आपके क्वेश्चंस हैं। इसलिए अब मैं जो भी सेशन लूँगा आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप अपने क्वेश्चन भेजिए जिससे इन सेशंस में मैं उन क्वेश्चंस को आपके सॉल्व कर सकूं। तो 11th, 12th एंड 10th अपेयरिंग स्टूडेंट के लिए सेपरेट सेशन होगा। ये सेशन है अभी उन लोगों के लिए जिनके पास अब 30 डेज है। अब इसमें भी दो कैटेगरी है, एक जिन्होंने अभी अभी 12th दिया। इनफैक्ट ये सेशन ही इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 12th के एग्जाम सब हो गए, सब स्टेट बोर्ड के हो गए, सीबीएसई के हो गए, आईसीएसई बोर्ड के हो गए। तो अब 12th के एग्जाम के बाद हमारे पास 30 डेज है, अब क्या करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ये नोट भेजा है कि सर हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हुआ तो अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए जो मैं आपकी बात करने वाला था कि एनडीए और आईआईटी में एक मेजर डिफरेंस ये है कि जब हम आईआईटी की बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पे फोकस करना होता है और तीनों सब्जेक्ट का लेवल काफ़ी हायर लेवल पे जाता है। पर जब हम एनडीए की बात करते हैं तो मैथ्स तो वही करनी होती, पर आईआईटी लेवल पे मैथ्स जाएं और एनडीए लेवल पे मैथ्स जाएं तो उसमें डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस बहुत क्लियर कट होता है यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पता है 120 आते हैं। क्वेश्चन सिंपल होते हैं बट ट्रिकी और लॉजिक्स होते हैं। आईआईटी में केवल 30 क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल्स होते हैं, फंडामेंटल्स काफ़ी डिटेल में पूछा जा सकता है आपको, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। दूसरा, अगर हम एनडीए में फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो होता है, बट एक्चुअल में अगर हम एनडीए में फिजिक्स की बात करें तो 10th लेवल का फिजिक्स होता है, 11th का बहुत ही बेसिक लेवल होता है। केमिस्ट्री और बायो तो इनफैक्ट 10th लेवल का ही होता है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी हाई लेवल होता है। तो ऐसे में आप पहले तो इन दोनों एग्जाम्स को साइमल्टेनियसली एक बात समझ लीजिए कि दोनों के नेचर बहुत अलग हैं, दोनों में थोड़ा अलग अप्रोच, अलग सोच लगती है। वही सोच लेके चलेंगे तो आपको डेफिनेटली उसका बिल्कुल अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जब हम आईआईटी की बात करते हैं तो हमें सारे सब्जेक्ट पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे इक्वली लेवल पे पढ़ाई करनी होती है, पर जब हम एनडीए की बात करते हैं तो हमें मैथ्स का बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन के साथ लॉजिक्स और स्पीड का गेम होता है। और बाकी एक जो पेपर जीएटी का होगा उसमें आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का बहुत ही बेसिक है। तो ये एक डिफरेंस है। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आप जो एग्ज़ाम जो आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं अगर आप उसी पे सिंगल फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आप दोनों एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसके लिए डेफिनेटली सेपरेट आपको अप्रोच करनी होगी। अब बात करते हैं जो जो आपने क्वेश्चन बोले थे। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने लिखा था कि सर हम कॉमर्स बैकग्राउंड के या बायो के और हम भी एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं। आप अगर बायो के हैं या कॉमर्स के अगर एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आपको मैथ्स तो कवर करनी होगी, मैथ्स के अलावा ये पूरे पोर्शन को ही आपको कवर करना होगा जब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप ऐसे में क्या करना चाहिए वो बताता हूँ कि लास्ट 30 डेज में आपके पास मैथ्स के अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट 30 टॉपिक्स हैं, यानी एवरी डे एक टॉपिक का रिवीजन होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आप पूरे 30 टॉपिक करें, जरूरी ये है कि जो भी टॉपिक करें उसे अच्छे से करें। कुछ टॉपिक को मैं आपके साथ रिवाइज भी करवाऊंगा और उनके क्वेश्चंस को डिस्कस भी करूंगा और साथ में उन क्वेश्चंस की आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें जो आपको ऑब्जर्व करना चाहिए एग्जाम में। क्योंकि आप एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि 120 में से अगर कोई बच्चा 40 क्वेश्चन राइट करता है तो ऑलमोस्ट उसका कट ऑफ क्लियर होता है, पर हम तैयारी करें कि 70 से 80 क्वेश्चन कर पाएँ। और ऐसा पिछले 2 सेशन से हो रहा है। इनफैक्ट सेप्टेम्बर सेशन में जो बच्चों ने ऑनलाइन कोर्स लिया था या जो क्लासरूम कोर्स में आए थे उन्होंने बेस्ट रिजल्ट दिया, अनबिलीवेबल। वही चीज़ अभी होने वाली है, कोई डाउट नहीं है कि अच्छा रिजल्ट नहीं है, बस शर्त है कि आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है। दूसरा,
कि एक और चीज पूछी गई थी कि सर अब जनरल अवेयरनेस पढ़ना चाहिए कि नहीं, करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए कि नहीं। मैं आपको एक बात बोलूं कि एनडीए वन के हिसाब से करंट अफेयर अब आप बंद कर सकते हैं, पेपर ऑलमोस्ट तैयार हो गया होगा, तो अब जो आने वाला समय वो बहुत यूजफुल नहीं होगी करंट अफेयर। बट यहाँ पर एक बात बोलूंगा, मुझे आपसे रिटर्न एग्जाम नहीं निकलवाना, आपको SSB भी क्लियर करना है। इसका मतलब ये हुआ, और SSB में ये सब चीज़ें लगती हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि करंट अफेयर्स आप पढ़ें, ये सोच के वैसे भी कभी ना पढ़ें कि एग्जाम में आएगा कि नहीं। एक जनरल नॉलेज अगर आप हर दिन की इवेंट्स पढ़ते हैं तो वो लॉन्ग टर्म याद रहता है। आप 15 दिन के इवेंट एक दिन में पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा। अच्छा ये कि हर दिन में जो इवेंट्स इंपॉर्टेंट हो रहे हैं उनकी एक समरी बनाते चलें, क्योंकि वो आपको SSB में भी काम आएगा। तो NDA एग्जाम पेपर के हिसाब से बहुत अब काम का नहीं है करंट अफेयर्स, बट SSB के हिसाब से काम का। तो उसके लिए आप आधा घंटा रोज निकालें, अच्छा रहेगा। अब बात आती है कि करना क्या चाहिए। दो पोर्शन हैं, एक है 11th, एक है 12th। अब आप में से जिन्होंने 12th का एग्जाम दिया है उन्होंने 12th का पूरा सिलेबस कवर किया है, 11th के सिलेबस को कवर करना है। अब आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी होगी कि अगर आपका 12th का सिलेबस कवर अच्छे से हुआ है तो ही आप 11th के सिलेबस पर फोकस करें, अदरवाइज जो 12th का पढ़ा है आप उसी की प्रैक्टिस कर लें वो भी चलेगा। आप 50% सिलेबस ही टारगेट ले लें, नो प्रॉब्लम, बट 50% अगर अच्छे से कर लेंगे तो अच्छा होगा। प्रीवियस ईयर के पेपर्स, कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर प्रीवियस ईयर के पेपर सफिशिएंट है, मैं एक बात बोलूंगा, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने से आपको एक एग्जाम पैटर्न पे क्लियरिटी आती है, पढ़ने के तरीके पे क्लियरिटी आती है। पर केवल प्रीवियस ईयर के पेपर करना से काम नहीं होगा, प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे करना है। सपोज कि आपने बाइनोमियल थ्योरम का रिवीजन किया तो पहले बाइनोमियल थ्योरम का ब्लैंक पेज पे पूरा एक रिवीजन चार्ट बनाया, मैं आपको ये सब करवाने वाला हूँ। देन उसके बाद आप NCERT के कुछ क्वेश्चंस करें, मिसलेनियस एग्जाम्स करें, एग्जाम्पल्स ही कर लें NCERT के काफ़ी। उसके बाद आप अगर प्रीवियस ईयर के बाइनोमियल के क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये एडवांटेज है, क्योंकि आपको नया पेपर मिलेगा वो भी आप कर लेंगे। यानी आपको हर एक टॉपिक्स पे ये करना है। तो ट्राई ये करें, क्योंकि 30 डेज ही बचे हैं। मैं आपको बोलूँगा कि आप ये मान लीजिए कि करीब करीब 15-18 अप्रैल के आसपास आप अपनी पढ़ाई बंद करके लास्ट 2-3 डेज में केवल रिवीजन ही रखेंगे फुल। यानी प्रैक्टिकली हमारे पास 25 दिन है, 25 डेज हैं। इन 25 गोल्डन डेज को आप बहुत अच्छे से अगर यूज़ कर लेंगे तो अच्छा होगा। तो उसके लिए आपको मैथ्स पे करीब करीब आपको मेरे हिसाब से 15 आवर्स की स्टडी करना चाहिए, जिसमें 6 आवर आप मैथ्स को ही दें, ये बिल्कुल ध्यान रखें। 1 आवर इंग्लिश पे दें। अब इंग्लिश के लिए भी कुछ बच्चों ने बोला था क्या करें, तो इंग्लिश के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी हेल्प करेंगे। GS में पॉलिटी, हिस्ट्री ये सब है, वो आप पुराने करते चले पेपर्स में सॉल्व। और कोई भी बुक, जो भी बुक से आपने सॉल्वर पढ़ा, आपने कई लोगों ने बुक्स के नेम भी पूछे, पर मैं बुक्स के नेम पे लेके एक बात बोलूँगा, मैं आपको आज बोलूँ कि ये बुक्स ले लो या ये ले लो, आप चेंज करो उसकी कोई जरूरत नहीं, जो भी बुक्स है उसको कर लें। क्योंकि अगर आपकी जनरल अवेयरनेस अच्छी है, करेंट अफेयर्स पर अच्छा कमांड है, तो आपको बुक्स की जरूरत ही नहीं होगी, राइट। फिजिक्स में आप 10th और 11th वाले पोर्शन को ही करें। कई सारी NDA की जो बुक्स आती है उसमें एक प्रॉब्लम है, फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत हाई लेवल पे दी, उतनी हाई लेवल पे जाके नहीं करनी है। इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स को करना है, 9th-10th लेवल पे आपको कवर करनी है। और बायो तो बिल्कुल ही 9th-10th की आती है, इसलिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। केमिस्ट्री में 11th तक जाना है, फिजिक्स में भी 11th का जो सिलेबस वाला पार्ट दिया वो देखना है। तो आपको करना ये चाहिए कि 6 आवर यहाँ पे दें, 1 आवर इंग्लिश पे, 1 आवर GS पे, और करीब करीब 1 आवर एवरी डे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से किसी एक सब्जेक्ट पे दें, अल्टरनेट डेज पढ़ें। ये हुए 9 आवर, और 3 आवर जो मिलते हैं उसमें, ये हुए 9 आवर, 3 आवर जो मिलते हैं उसमें प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें। जो जो प्रैक्टिस पेपर्स में एक मैथ्स का पेपर लें, एक GAT का पेपर लें, और हो सकता हो तो एक इंग्लिश का पेपर लें। यानी ये मैथ्स के पेपर के साथ GAT पेपर्स और इंग्लिश, अब बचते हैं हमारे पास 15 घंटे में 12 घंटे, अब बचते हैं 3 आवर्स। 3 आवर्स में वो टॉपिक, क्योंकि हर दिन आप क्या होता है, हम आगे तो बढ़ते जाते हैं और पुराना भूलते जाते हैं, तो मैं बोलूँगा आपको पुराने को भी रेगुलर रिवाइज करते हुए चलना है। यानी एवरी डे प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए चलना है, न्यूज़पेपर्स की रीडिंग्स की आदत रखनी है, इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, बोलना है। और एक और चीज़ आपने पूछी थी कि SSB इंग्लिश में होता है हिंदी में, मैंने आपको बताया था SSB तो आपको इंग्लिश में ही देना है, बट उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें। पर जब तक SSB आप नहीं दे सकते, जब तक रिटर्न एग्जाम नहीं निकाल लें, तो फर्स्ट फोकस आप अपना रिटर्न पे करें। और हो सकता हो तो 30 मिनट के आसपास, 30 मिनट से 45 मिनट रनिंग,
या बैडमिंटन, लॉन टेनिस, कोई ना कोई एक गेम फिजिकल जरूर खेलें, क्योंकि जब हम मेंटल वर्क करते हैं तो हमें फिजिकल रेस्ट की, जब मेंटल वर्क करते हैं तो हमें एक फिजिकल स्टेमिना चाहिए होती है, इसलिए हमारे कुछ ना कुछ गेम वेम से जुड़ते हैं तो ये फायदा होता है। और इनफैक्ट डिफेंस में जाने वाले बच्चों को तो मैं बोलूँगा घंटे, दो घंटे, तीन घंटे अगर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपको SSB में बहुत हेल्प करने वाली है। पर क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है तो इसलिए मैं 30 से 45 मिनट की ही बात करूँगा। तो आप एक एक टॉपिक्स को अच्छे से करें। अब किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा आपको वेटेज देना चाहिए, तो उसमें नंबर वन में बोलूँगा ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत अच्छे से आपको कमांड करना चाहिए। नंबर वन ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स का बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसलिए वो कभी भी नहीं छोड़ना है। देन उसके बाद कैलकुलस, कैलकुलस को बहुत डिटेल में करना है, कोऑर्डिनेट को उतने ही कम डिटेल में करना। अगर आप कोऑर्डिनेट में देखें तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, फॉर एग्जांपल कोनिक्स, कोनिक्स को अगर हम कोनिक्स या सर्कल को IIT लेवल पर बात करें तो बहुत एडवांस लेवल, मतलब अगर मैं बोलूँ कि IIT में और NDA में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है, तो मैं बोलूँगा कि IIT में आप जितनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसका 10% NDA में पढ़ना है, इतना डिफरेंस है। यानी कैलकुलस में बात करूँ तो लगभग 50%, प्रोबेबिलिटी में बात करूँ तो लगभग 50%, पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्पेशली मैं बोलूँगा कि बहुत ही लिमिटेड करना होता है। सर्कल का एक बेसिक डेफिनेशन, कंडीशन ऑफ टेंजेंट, ये पता होगा आपको, बस इससे आपका सर्कल कवर हो जाएगा। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में आपको स्टैंडर्ड इक्वेशंस लाइक पैराबोला की ये होती है, एलिप्स की ये होती है, मैं अभी आपके साथ ये करूँगा, इन टॉपिक्स का बिल्कुल बेसिक और इनका स्टैंडर्ड कंसेप्ट की फोकाई क्या होता है, लेटर सेक्टम की लेंथ क्या होती है, मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है, ट्रांसवर्सेस एक्सिस क्या होता है, ये बेसिक पोर्शन कवर करना, इसके लिए NCERT की बुक बेस्ट है, उतना ही करें। यानी 11th वाले पार्ट में एक चीज़ समझिएगा आप कि NDA में, मैं आपको एक बात बता दूं कि 11th और 12th में, 12th का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है पर 11th का बहुत बेसिक होता है, IIT में ऐसा नहीं होता, IIT में 11th या 12th दोनों का ही लेवल हाई हो सकता है, बट NDA में मैं बोल सकता हूँ कि IIT में जो भी कुछ 11th के पोर्शन का आता है NDA में वो करीब करीब 10 से 20% के आसपास उसका लेवल होता है। तो आपको वो उस बेसिक पे जाना है, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से निचोड़ निकालना है कि क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करनी। तो मैं आपके साथ कुछ स्पेशली 11th के टॉपिक्स लूँगा, कुछ 12th के टॉपिक्स लूँगा, जिससे आप समझ में आए। फर्स्ट 1 आवर में आपको बताऊँगा कि हार्डली 1 से 1.5 घंटे में आपका रिविजन हो जाएगा फाउंडेशन का, 1 से 1.5 आवर में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी जो मैंने आपको बोला है कि 3 घंटे में आप मैथ्स बहुत ईजिली कर सकते हैं एक टॉपिक का रिवाइज, और ट्राई ये करना है कि पर डे 2 टॉपिक्स कवर करें, क्योंकि हम कहने को हमारे पास 30 दिन है पर लास्ट के 5 डेज हमें अलग तरीके से करना है, रिविजन्स करना है एक बार जो 25 डेज में पढ़ा है। और दूसरा, कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, फॉर एग्जांपल फंक्शन में टाइम लगेगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में टाइम लगेगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इन्वर्स के कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे आप कैलकुलस को इजीली नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आप चाहते हैं कि कैलकुलस के क्वेश्चंस को आप मेंटली सॉल्व कर पाएं, कि डिफरेंशिएशन ऑफ, सपोज यहाँ लिखा है टेन इन्वर्स एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको मेंटली ये पता होना चाहिए कि ये होता है 10π/4 माइनस एक्स एंड माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, तो इन्वर्स के कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो कुछ टॉपिक्स पे टाइम देना है, कुछ पे कम। जैसे मैं आपको एक बात बोलूँगा, सेट थ्योरी अगर आप करेंगे तो आपको 2 से 3 आवर लगेंगे, सेट के कंसेप्ट सेट में काम आएंगे, परम्यूटेशन में काम आएंगे, प्रोबेबिलिटी में काम आएंगे, फंक्शन में काम आएंगे, रिलेशंस में मुश्किल से आपको 1 आवर लगेगा। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर IIT और NDA में बहुत डिफरेंस होता है। NDA में केवल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आयोटेक क्या होता है, आयोटा की प्रॉपर्टीज क्या है, लाइक है ना, ये मैं आपको, आपने बोला था सेशंस में सर कुछ टॉपिक्स को बताइए, मैं इसलिए सेशन को इस ढंग से ले रहा हूँ, आयोटा क्यूब क्या होता है, फिर आपको मॉडुलस निकालना आना चाहिए। इतनी मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में आप रिवाइज कर सकते हैं, जो यही काम अगर IIT में कर रहे होते तो बहुत टाइम लग जाता। तो आपको मॉडुलस पता होना चाहिए, आर्गुमेंट पता होना चाहिए, देन बस खत्म, फिर आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और एक और चीज़ बोलूँगा कि कुछ पेपर्स कंप्लीटली दें। आप जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आपका पेपर्स अभी बीच में एक हफ्ते के लिए, इसलिए एक तो बीच में XY ग्रुप का एग्जाम भी था और अभी आपके 12th के एग्जाम चल रहे थे, अब आपको फिर पेपर्स मिलेंगे, तो जो आपको पेपर्स दिए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व कर लें, आप एक अच्छे स्कोर की तरफ जाएंगे। आपका टारगेट अब ये नहीं होना चाहिए कि आप 120 क्वेश्चंस करें, आप टारगेट ये करें कि 80 क्वेश्चंस करना है और राइट करना है, उसमें 2, 3, 4 रॉन्ग हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए। तो मैंने आपसे बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आप बिल्कुल बेसिक करिए,
आपको बेसिक पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाएंगे, डिटेल में पढ़ना, क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट हर जगह लगते हैं, तो क्वाड्रेटिक में आपको 2 to 3 याद लग सकते हैं। क्वाड्रेटिक के बाद बात करते हैं प्रोग्रेशन की, प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट काम आएंगे, टाइम लगेगा। प्रोग्रेशन के बाद बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो बेसिक करना है आपको, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस की बात करें बिल्कुल बेसिक लेवल पे कवर करना है, यानी आपको किसी दिन एक दिन में 2 या 3 टॉपिक कवर करना है और किसी दिन एक दिन में एक ही टॉपिक कवर करना है, डिपेंड ऑन टॉपिक्स लेवल। दूसरा, अगर आप में से कुछ लोगों ने ये भी पूछा था अभी कुछ टॉपिक्स 11 के कवर नहीं, अगर आपने पुराना कुछ नहीं कवर कर पाए तो अब नए के लिए टाइम नहीं है, मैं आपको यही बोलूंगा, क्योंकि अगर आप नया पढ़ेंगे तो हो सकता है पुराने पे आपका लॉस हो जाए, तो बेटर है कि आप नए पोर्शन की जगह जो पोर्शन आता है उसको और स्ट्रॉन्ग करके इस लेवल पे ले जाएं कि एनडीए में अगर उस टॉपिक का क्वेश्चन आए तो मैं पूरा कर लूं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, पर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जो 1 घंटे के एफर्ट से आपको आ जाएगा। कुछ और टॉपिक्स बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, लीव दिस टॉपिक्स, बट अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो उसको और अच्छे से कर लो, जिससे उसके आए हुए क्वेश्चन आप कर पाओ, यानी आपको खुद ही डिसाइड करना है। दूसरा, बहुत ही डिसिप्लिन पढ़ाई करनी है। देखिए, जब तक आप स्पेशली फॉर एनडीए स्टूडेंट, एनए स्टूडेंट, कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आपको ये खामियाजा एसएसबी में भुगत नहीं पड़ेगा, तो आपका डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जिन पे याद रखें, बिल्कुल मैथ्स में हर दिन अपने आप को बहुत फोकस लेके चलें, खूब पानी पिए, फिजिकल एक्सरसाइज करें और दिन में कम से कम 15 घंटे की पढ़ाई करें, रात को बहुत अच्छी नींद लें, 12 बजे से लेकर 6 बजे तक सोएं, अपना टाइम टेबल ऐसा सेट करें आप कि आप हर 2 आवर बाद 10 मिनट का ब्रेक ले पाएं, मोबाइल फोन बिल्कुल बंद कर दें, क्लास में भी मैंने आजकल बच्चों से लेने चालू कर दिए हैं, बिल्कुल आप भी वही करिए, बस 7 बजे के बाद ही देता हूँ, वैसे ही आप करिए, सुबह 8 बजे यहाँ बच्चे आ रहे हैं, 7 बजे तक कंटिन्यूसली पढ़ते हैं और उसके बाद फिर डाउट भी पूछते हैं, ऐसा ही आपको अपने घर पर शेड्यूल बनाना है। इसके अलावा कुछ बच्चों ने ये भी बोला था कि सर हम लास्ट मंथ में ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं, तो मैंने यही बोला था टाइम बहुत कम है, कुछ लोग सिर्फ अक्टूबर अटेम्प्ट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको भी मैं बोलूँगा आप जरूरी नहीं कि अभी करें, आप अप्रैल के बाद मई में जो फर्स्ट वीक में बैच स्टार्ट होगा उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए अभी सब परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी अगर आपने फॉर्म भरा तो मैं बोलूँगा आप अपना अभी 100% दें। इस 100% का मतलब 100% सिलेबस से नहीं है, जो सिलेबस कर रहे हैं उस पर अपना 100% दे के 100% पेपर देने की कोशिश करें। बहुत अच्छे से इंग्लिश, जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए उस सिलेबस से इधर उधर मत भागना, क्योंकि गाइड में कई बार 11th 12th तक के इवन IIT मेंस के क्वेश्चन डाल देते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, इसलिए प्रॉब्लम्स आती है, बायो में नीट के क्वेश्चन डाल देते हैं, नहीं है जरूरत उनकी, आप तो जो पेपर्स में आए हुए वो क्वेश्चंस करें। और 2018 का, 2017 का, 2016 का एक एक पूरा पूरा पेपर लेके बैठे, कब, आफ्टर 1 or 2 week बाद पूरा पूरा पेपर लेके बैठे और उस पेपर को देने की कोशिश करिए, और उस पेपर को देते समय देखिए कि अब आपको क्या दिक्कत आती है। मान लीजिए आप एक मैथ्स का, बल्कि मैं कहूंगा आप सभी ने 12th का पेपर अभी अभी दिया है, आप पूरा एक पेपर लेके बैठो, एक्चुअल पेपर लेके बैठो और पूरा पेपर करके देखो, मैथ्स का सॉल्व पूरा करो, GAT का, आपको समझ में जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ पर है, मैथ्स में किन टॉपिक्स में उलझ जाते हो, कहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है। मैं जैसे एक बात बोलता हूँ कि मैथ्स में, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स अच्छी है, जो मैं आपको बताता हूँ उससे आपने क्वेश्चन करा तो आप हार्डली 30-40 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। टेक्निक अच्छी नहीं है, आप 2 to 3 मिनट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से होते हैं, कोऑर्डिनेट के, ट्रिग्नोमेट्री के, पर वो ऑप्शन से कैसे करना है, तो हमें ऑप्शन से राइट ऑप्शन नहीं ढूंढना होता, हमें 3 रॉन्ग ढूंढना होते हैं, वो रॉन्ग कैसे ढूंढेंगे वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी इन टेक्निक्स पे अगर वर्क करेंगे तो अपने आप स्कोर बढ़ जाएगा, और वही टेक्निक डेवलप करने की कोशिश की जाती है और वही करना है आपको, तो इसलिए आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। तो आप एक पेपर पूरा पूरा लेके भेज दी, जब मुझसे बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन 3 मिनट में हुआ, तो मैं बोलता हूं ये भी आपका डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन 3 मिनट 4 मिनट में हो रहा है, यानी ये डाउट है, 3 मिनट में तो आपको मोस्टली मतलब एटमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चन करने हैं, तो अगर आपको 3 to 4 एटमोस्ट बोलना, इनफैक्ट एटलीस्ट बोलना था मुझे कि एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन आपको करना है 3 मिनट में, 5 क्वेश्चन करना है, 6 क्वेश्चन करना है, तो उसके लिए आपको अपने आप को डेवलप करना है। तो जब बहुत ज्यादा स्टेप्स लिखते हो आप तो आपको टाइम बढ़ जाता है, तो स्टेप्स को सेव करना आना चाहिए, मेंटल वर्क को ज्यादा करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में क्या आता है, केमिस्ट्री में क्या आता है, बायो में क्या आता है, जीएस में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर ये एक चीज आपने ऑब्जर्व कर ली कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो नए क्वेश्चन को भी आप कर लोगे। प्रॉब्लम ये होती है कि हम सोचते हैं अब क्या आएगा। दूसरा, एक चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि मेरा होगा कि नहीं, अब 1 महीना ही बचा है,
फाउंडेशन अच्छे से नहीं हुआ, ये सब चीज़ें छोड़ दो, आप अपना एग्जाम में अपना 100% देने की कोशिश करो। और अभी तो ये सेशन अब स्टार्ट की क्योंकि 12th के पेपर के वजह से रुके थे, अभी काफ़ी रेगुलर मिलेंगे आपको सेशन, तो आप बिल्कुल पैनिक मत होइए, बहुत पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।